नमस्कार। आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट, इस चैप्टर पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो सकते हैं, या ये क्वेश्चन किसी दूसरी बुक से भी हो सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर पर हो सकते हैं उन्हें मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, यदि आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक कर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और दूसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, राइट? हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। इस हेमिस्फीयर पर एक कोन रखा गया है। इस हेमिस्फीयर पर क्या रखा गया है? कोन रखा गया है इस 2 सेंटीमीटर। ये दे रहा है हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना ओ ए, ये दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर, राइट? एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। ये डायमीटर ऑफ द बेस, इस कोन का जो डायमीटर कितना रखा आपको? 4 के बने। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, आपको बताना है इस वॉल्यूम, इस टॉय का पूरा वॉल्यूम क्या हुआ। देखिए, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऊपर क्या रखा गया है? एक कोन रखा गया है, एक टॉय बनाया गया इस तरह से। तो बताना उस टॉय का वॉल्यूम क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या किया, इस टॉय को आपने इस सिलेंडर के अंदर रख दिया गया, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ये टोटल टॉय की हाइट है, वो क्या है? सिलेंडर की हाइट है। इस टॉय की जो हाइट है वो किसकी हाइट है? सिलेंडर की हाइट है। इस टॉय का जो डायमीटर है वो सिलेंडर का डायमीटर है। तब बताना है कि इनके वॉल्यूम में डिफरेंस क्या हुआ। कहने का मतलब है सिलेंडर के वॉल्यूम और टॉय के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या हुआ। ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन है कि इसमें सिलेंडर भी आ गया, इसमें कोन भी आ गया, और इसमें स्फीयर भी आ गया, हेमिस्फीयर भी आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से पहले ध्यान रखें, उनको अच्छी तरह से याद करें। याद करेंगे तो फॉर्मूला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अधिकतर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, इसलिए फॉर्मूला को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, एक बार इसे आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। गिवन है हाइट, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जो है OA, ठीक है ना? आप इस OA जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो दे रखा है कोन का, ये जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है आपको डायमीटर ऑफ कोन OB जो है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो कि इसकी जो रेडियस आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी, और इस हाइट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है? इस कोन की जो हाइट है वो 2 है, रेडियस भी इसकी 2 है, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी 2 ही होगी। ये जो रेडियस है कोन की, जो रेडियस है वही रेडियस किसकी होगी? हेमिस्फीयर की होगी, क्योंकि ये कोन जो है किसके ऊपर रखा गया है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ठीक है? अब जरा देखिए, आप इस कोन का वॉल्यूम जानते हो क्या? कोन के वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है? अब लिखेंगे, नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का मतलब मेरे यहां पर राइट सर्कुलर कोन से है, ध्यान रखें। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। याद रखेंगे,
वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वन अपॉन थ्री इंटू पाई, आर कितना है इसका, इसका आर है टू, तो टू स्क्वायर इंटू एच भी कितना है टू, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से, यहाँ से कह सकते हो एट पाई अपॉन थ्री सेमी क्यूब। ध्यान रखें वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यू होता है, सेमी क्यूब, मीटर क्यूब, यूनिट क्यूब। ठीक, आपने एक चीज ये निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू, याद रहेगा। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है टू अपॉन थ्री पाई, टू अपॉन थ्री पाई आर क्यू, तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा टू अपॉन थ्री पाई इंटू टू क्यू। ठीक है, टू क्यू क्या होता है एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन पाई अपॉन थ्री, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कितना था ये आपके पास, ये था 8 पाई अपॉन 3, 8 पाई अपॉन 3 प्लस 16 पाई अपॉन 3, सॉल्व करेंगे कितना हुआ, ए 16 और 8 24 पाई अपॉन 3, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 8 पाई। दिस इज द सेमी क्यू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये आपके एक क्वेश्चन जो था उसका एक पार्ट सॉल्व कि जो टॉय का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 8 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो वो अलग मैटर है, लेकिन आंसर कितना आ गया 8 पाई सेमी क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकाला आपने, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाला, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जरा देखिए इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक ए टू है, यहां तक ओ ए टू है, यहां से लेकर यहां तक भी टू है, तो पूरा ए से लेकर पी तक कितना हो गया, फोर हो गया। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो फोर होगी और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, टू होगी। सिलेंडर की जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर की रेडियस के बराबर होगी, ये टू है तो इसकी रेडियस भी कितनी आएगी, टू आएगी। इसकी हाइट कितनी है, फोर है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उस फॉर्मूला को लगाकर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इस टॉय के वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा, दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसे आप अच्छी तरह कॉपी करिए, उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। अब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे, लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान रखें ये कितनी होगी हाइट, इतनी हाइट को एच मान लें, और हाइट एच जो है किसकी इक्वल होगी, ये होगी ओ ए प्लस ओ पी, ओ ए प्लस ओ पी। ठीक है, और एच जो कितनी हो जाएगी, वो जाएगी टू प्लस टू, तो आप देख सकते हो कि सिलेंडर की जो हाइट है वो फोर हो जाएगी। ठीक है, और रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस सिलेंडर क्या होगी, रेडियस सिलेंडर होगी आर, जो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर के बराबर होगी, रेडियस ऑफ द कोन के बराबर होगी। यहां पर कोन की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस तीनों क्या है, सेम है, ध्यान रखिएगा। तो ये रेडियस आर होगी और आर आपके पास कितना है, टू है। नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिखेंगे, पाई
आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पर कैपिटल एच ली जाएगी क्योंकि हम इसको कैपिटल एच रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सॉरी पाई रहने दें, और रेडियस कितनी आपके पास 2 है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट कितनी h, h कितना आपके पास 4 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 16 पाई। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नाउ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, ठीक है सर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 पाई, और टॉय का वॉल्यूम कितना आया था 8 पाई। सॉल्व करेंगे 8 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पाई। आप यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा 8 × 3.14, ठीक है, ये लगभग आएगा 25.12 सेमी क्यूब। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह ध्यान होंगे, कोन का वॉल्यूम क्या था, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको समझना अच्छी तरह से, एक बार और आपको देख लें, ठीक है, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बताऊंगा जिसे आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं यहां पर आपके क्वेश्चन दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप जरूर करने की कोशिश करें और उसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, इसकी हिंट मैं आपको देता हूं। देखिए, एक बकेट है जिसमें 24.4 लीटर पानी है, उस बकेट की जो बकेट है वो फ्रस्टम फॉर्म में है, ठीक है, और उस फ्रस्टम की रेडियस जो है कितना है 28 और 21 है, तब आपको बताना है इस बकेट की हाइट कितनी है। देखिए, इस तरह से बकेट होगी, ये फ्रस्टम जानते हो आप, ये राइट, इसकी जो रेडियस है ऊपर ये R1, ये R1 जो है कितना है 28 है, और R2 जो है वो कितना है 21 है। आपको ये हाइट h बतानी है, ध्यान रखें, ये पानी से भरी हुई है, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, सॉरी पानी कितना दे रखा है, इतने लीटर दे रखा है, इस लीटर को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप समझ लें कि 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेमी क्यूब, ये बात आपको याद रहे, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28.48090 मल्टीप्लाई 1000, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आएगा 28490 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम पता लग गया, आपको हाइट निकालनी है, आपको R1 और R2 गिवन है, आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है V=1/3 πh, ठीक, ब्रैकेट R1² + R2² + R1R2, ठीक है। आपको यहां पर R1 R2 पता है, यहां पर B पता है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, H निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह से आप वीडियो देखते रहें, और हाँ, इस वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन पर क्लिक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।